हाय फ्रेंड्स, 6 जनवरी 2019 को हरियाणा में TGT लेवल 2 का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। सब्जेक्ट उर्दू यानी क्वेश्चन नंबर 91 से 150 तक के डिटेल एनालिसिस के साथ मैं आंसर की अपलोड कर चुका हूँ। अब हरियाणा बोर्ड ने फाइनल आंसर की अपलोड कर दी है, जिसे आप 8 जनवरी से 14 जनवरी के दरमियान में चैलेंज कर सकते हैं। उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। आज मैं क्वेश्चन नंबर 1 से 150 तक के आंसर की एज पर हरियाणा बोर्ड आपके सामने पेश करने वाला हूँ। साथ ही मैंने उर्दू का जो एनालिसिस पेश किया था, उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसके जवाब मैंने आपको बताए नहीं थे, वो भी हरियाणा बोर्ड के अकॉर्डिंग मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट फर्स्ट, जिसका नाम दिया गया है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यानी बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। इसमें क्वेश्चन नंबर 1-30 पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 1 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, डिसकैल्कुलिया इज अ टाइप ऑफ, इसका जवाब है लर्निंग डिसेबिलिटी। सेकंड क्वेश्चन है प्रेजेंटेशन ऑफ एन अनप्लेजेंट स्टिमुलस, आप आगे का क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, इसका जवाब बताया गया है थर्ड यानी पनिशमेंट। अच्छा, एक बात ये भी आप सुन लीजिए कि मैं आपके सामने जो सेट डिस्कस कर रहा हूँ वो सेट डी है। आपके पास अगर ए बी सी होता है तो क्वेश्चन की सिक्वेंस अलग हो सकती है, आप उसके अकॉर्डिंग वीडियो को पॉज करके सही जवाब को टिक मार्क करने की कोशिश करें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 4-year-old बिन्नी स्टार्टेड वेटिंग हर बेड आफ्टर हर पेरेंट्स ब्रिंग्स, आप आगे क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसका जवाब है रेग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 4th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, इसका जवाब है इट इज द अपर लिमिट ऑफ ए टास्क डेट, यानी ऑप्शन 4th। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसका जवाब है शेपिंग। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, इफ अ चाइल्ड इज शेयरिंग विथ यू व्हाट ही डिड आफ्टर ही गॉट अप इन मॉर्निंग, इसका जवाब है एपिसोडिक मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एज प्रपोज्ड बाय गार्डनर, इसका जवाब है क्रिएटिव इंटेलिजेंट, आप ब्लैक पेन से टिक मार्क किया हुआ भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ए मदर जेंटली स्ट्रोक्स हर इन्फेंट्स फॉर हेड, जवाब है क्लासिकल कंडीशनिंग। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट चिल्ड्रंस प्ले, ऑप्शन 3rd इसका राइट आंसर है, द नंबर ऑफ प्लेमेट्स इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग एज। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ न्यू बॉर्न रिफ्लेक्सेस, जवाब है ड्राइविंग कार। क्वेश्चन नंबर 11, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज डिस्क्राइब्ड बाय जीन प्याजे, जो आप बताया गया कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी 3rd। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट, जवाब है 3rd यानी शेपिंग। क्वेश्चन नंबर 13, नोइंग हाउ टू राइड अ बाइसिकल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये एग्जाम्पल है प्रोसीजरल नॉलेज यानी 1st ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज नॉट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, जवाब है 3rd यानी म्यूजिकल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 15, ऑटिज्म वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय लियो कैनर, यानी 2nd ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, द सीट बेल्ट बजर ऑफ ए कार स्टॉप्स एज सून एज द ड्राइवर पुट ऑन द सीट बेल्ट, जवाब है नेगेटिव रेनफोर्समेंट। क्वेश्चन नंबर 17, ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल पीरियड ऑफ फिटस हेड इज वेल डेवलप्ड बिफोर हिज, आप आगे का क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, जवाब बताया गया है सिफेलो कॉडल। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो 2nd स्टेटमेंट जो है, ए चाइल्ड विथ लर्निंग डिसेबिलिटी एसेंशियली हैज एन IQ स्कोर लेस देन 70, ये उसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, आउट ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव विच वन इज नॉट कम्स अंडर प्रोसेस इन सोशलाइजेशन, तो 4th ऑप्शन यानी अप्रूवल ऑफ ईगोसेंट्रिक बिहेवियर, ये उसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, द स्टेटमेंट पर्सनालिटी इज नथिंग बट ए सेट ऑफ लर्न रिस्पॉन्सेज, जवाब है बिहेवियरिस्टिक व्यू यानी 1st ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21, मिटा हैज ओवरकम हर फियर ऑफ टॉय स्नेक, जवाब है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। क्वेश्चन नंबर 22, द एग्जाम्पल यू स्क्रेच माई बैक, उसका जवाब है बिगिनिंग ऑफ मॉरलिटी ऑफ ऑपरेशन, यानी 1st ऑप्शन उसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ड्रामेटिक प्ले, जवाब है इट इज ऑलवेज रिप्रोडक्टिव। क्वेश्चन नंबर 24, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन इंडिकेट्स, 3rd ऑप्शन
कन्वेंशनल मोरालिटी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी अज्यूम्स डैट चाइल्ड डेवलपमेंट इज नॉट ए कंटिन्यूस प्रोसेस। तो फर्स्ट थ्योरी यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ प्याजे, ये इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 26, द असेसमेंट डन ड्यूरिंग और बिफोर इंस्ट्रक्शन इज नोन एज फॉर्मेटिव असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 27, द थ्री स्ट्रैटम थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वॉज गिवन बाय केरल, ये उसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम कंटेंस पेरेंट्स वर्क प्लेस, जवाब है एग्जो सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, क्लासिकल कंडीशनिंग डील्स विथ वॉलेंट्री बिहेवियर्स, ये इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द ब्रोकास एरिया ऑफ ब्रेन, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्प्रीहेंडिंग वर्ड मीनिंग, ये उसका राइट ऑप्शन है। आज स्टार्ट करते हैं पार्ट सेकंड जो कि लैंग्वेज बेस्ड है, जिसमें हिंदी 15 मार्क्स, इंग्लिश 15 मार्क्स है। पहले 15 क्वेश्चन हिंदी के बेस्ड है। अशुद्ध संधि वाला विकल्प चुनिए, जवाब थर्ड है तदोपरांत। क्वेश्चन नंबर 32, ये दिन भर लिखता रहा वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण का भेद इंगित कीजिए, जवाब फर्स्ट है कालवाचक क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 33, वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प चुनिए, यह है वृद्धता। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से भाववाच्य चुनिए, जवाब दिया गया गर्मियों में रोज नहाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं, निम्न में से किस विकल्प में गरुड़ का, जवाब बताया गया हेरम। क्वेश्चन नंबर 36, किस वाक्य में सर्वनाम पदबंध का प्रयोग हुआ है, जवाब है मेरे रिश्तेदारों में से कोई समय पर नहीं पहुंचा, यानी फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37, अशुद्र वाक्य चुनिए, जवाब बताया गया आपसे मिलकर मुझे आनंद का आभास हुआ। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं, किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है, जवाब है थर्ड, तुम छात्रों के लिए कुछ किताबें ले आओ। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में संकर शब्द किस विकल्प में नहीं है, विज्ञापनदाता यानी फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40, तत्सम तद्भव की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए, जवाब है लो मशा यानी लोमड़ी। क्वेश्चन नंबर 41, असंगत कथन छाटिए, जवाब है नापाक इरादे से की जाने वाली मंत्रणा दितसा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं, किस विकल्प में दो उपसर्गों का प्रयोग नहीं हुआ है, जवाब है सहगामिनी। क्वेश्चन नंबर 43, किस वाक्य में इच्छार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है, जवाब है ईश्वर तुम्हारा भला करे। क्वेश्चन नंबर 44, किस विकल्प में तत्पुरुष समास नहीं है, जवाब है फोर्थ यानी मीन केतु। क्वेश्चन नंबर 45, वयोवृद्ध शब्द में संधि है, जवाब है विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर 46 यानी लैंग्वेज इंग्लिश यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, दे अराइव्ड सून आफ्टर, जवाब यहाँ पर है एडवर्ब आफ्टर यानी किस तौर पर इस्तेमाल हुए वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 47, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, ही इज सो एंड सो हिज ग्लासेस, ही इज लुकिंग फॉर हिज ग्लासेस। क्वेश्चन नंबर 48, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन बिलो, इट टुक्स इट होम विथ मी शी सेड, जवाब है शी सेड शी हैड टेकन इट होम विथ हर। क्वेश्चन नंबर 49, चूज द करेक्ट पैसिव कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्शन फॉर द गिवन सेंटेंस, जवाब है द इंजर्ड प्लेयर वॉज बींग कैरिड ऑफ द फील्ड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50, चूज द करेक्ट वर्ब फॉर द ब्लैंक फ्रॉम द ऑप्शन बिलो, जवाब है मूव्स, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। क्वेश्चन नंबर 51, चूज द वर्ड विच इज स्पेल्ड करेक्टली, डिसइंटीग्रेशन यानी सेकंड ऑप्शन, डी आई एस आई एन टी ई जी आर ए टी आई ओ एन। क्वेश्चन नंबर 52, फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, जवाब है इन। क्वेश्चन नंबर 53, फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, इसका भी जवाब है इन, वी स्टेड इन मुंबई फॉर 5 डेज। क्वेश्चन नंबर 54, फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट कंजक्शन, जवाब है अनलेस। क्वेश्चन नंबर 55, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉडल फॉर द ब्लैंक, जवाब है कुड आई कुड क्लेम एनी ट्री इन द फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 56, देयर इज अ मिस्ट्री अबाउट हिज डेट, यहाँ पे लुकिंग इनटू जो है वो टू इन्वेस्टिगेट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। क्वेश्चन नंबर 57, हियरिंग द नॉइज द बॉय वोक अप, ये क्या है पार्टिसिपल है। 58, मेड ऑफ सिल्क, इसके जो अंडरलाइन है वो एडजेक्टिव फ्रेज है। क्वेश्चन नंबर 59, चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, वन हु मेक्स मैप्स ऑफ चार्ट,
कार्टोग्राफर, ये उसका सही है, कार्टूनिस्ट कार्टून बनाता है, कोरियोग्राफर डांस सिखाता है, कोयर मास्टर क्या है आप कमेंट बॉक्स में बताएं। क्वेश्चन नंबर 60, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। आई हैव नॉट हियर द लेटेस्ट न्यूज। क्वेश्चन नंबर 61 जो कि पार्ट थर्ड है, जिसमें जनरल स्टडीज है, एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड जीके एंड अवेयरनेस। क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया था, ए इज बीज सिस्टर, सी इज बीज मदर, डी इज सी इज फादर। पूरा क्वेश्चन आप क्वेश्चन पेपर में पढ़ लीजिएगा, जवाब है ग्रांड फादर। क्वेश्चन नंबर 62, फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, जवाब है 205। क्वेश्चन नंबर 63, ए टैंक इज, पूरा क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, ए टैंक इज 2/4 पार्ट फुल, उसका जवाब बताया गया 35 लीटर्स। क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑड डेज इन अ लीप ईयर, 2, इसका जवाब है। क्वेश्चन नंबर 65, फाइंड द लीस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 15, 20 एंड 54, जवाब है 548। क्वेश्चन नंबर 66, इफ एज इनकम इज 40% लेस देन डेट ऑफ बी, जवाब है 4, यानी 66 2/3%। 67, फाइंड द लीस्ट नंबर बाय विच 294 मस्ट बी मल्टीप्लाइड, जवाब है 6। 68, इफ द फ्रैक्शन, उसका जवाब है 4/9। क्वेश्चन नंबर 69, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 प्राइम नंबर, जवाब है 4th ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 70, फाइंड आउट ऑड 1, जवाब है 3rd, KPSU, कैसे सॉल्व किया गया आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, अर्जुन ट्रेवल्स हाफ ऑफ हिज जर्नी बाय ट्रेन एट द स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर, जवाब है 96 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 72, इफ 11 ऑरेंजेस आर ब्राउट फॉर 10 एंड सोल्ड 10 ऑरेंजेस फॉर RS 11, जवाब है 21%। 73, अमूल्य डज अ पीस ऑफ वर्क इन 2 days, जवाब फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। 74, ए टोटल ऑफ 324 कॉइंस ऑफ 20 पैसे एंड 20 पैसे मेक्स अ सम ऑफ, इसका जवाब है 3rd, यानी 200। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 75, हाउ मेनी 6 आर देयर इन द फॉलोइंग नंबर, तो जवाब है 2, कैसे सॉल्व किया गया आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, इफ बॉन्ड इज कॉल्ड एज APQO, इसका जवाब है 3rd, FSHE, कैसे सॉल्व किया गया आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77, देयर आर डियर एंड पीकॉक्स इन अ जू, जवाब इसका बताया गया है 4th, यानी 60, कैसे सॉल्व किया गया आप वो भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, विच सेट ऑफ नंबर इज लाइक द गिवन सेट, जवाब इसका यहाँ पर बताया गया है 3rd, यानी 3, 21, 24, मगर मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर उसका जवाब है 4th, यानी 4, 16, 18। आपके पास अभी डेट मौजूद है 18 जनवरी से लेकर आप 14 जनवरी के दरमियान क्लेम कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। अगर आप कभी आपको भी लगता है कि यही जवाब सही है तो आपने क्लेम करना चाहिए ताकि आपके एक मार्क्स बढ़ जाए। कैसे सही आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, देखिए 2, 14, 16, 2+12 आ जाता है 14, 14+2 आ जाता है 16, यानी 2, 14, 16 किस तरह आया। अब नीचे के आप चार ऑप्शन में देखिए, 2 में 5 मिलाने पर 7 बनता है, 2 में 7 में 1 मिलाने पर 8 बनता है, 2 में 7 मिलाने पर 9 बनता है, और 9 में 7 मिलाने पर 16 बनता है, लेकिन 4th ऑप्शन जो है वो 4 में 12 मिलाने पर 16 बनता है, 16 में 2 मिलाने पर 18 बनता है। तो आप इस एतबार से देखेंगे तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सेम आती है, तो मेरे अकॉर्डिंग जवाब 4th होना चाहिए, लेकिन बोर्ड ने 3 बताया है। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 79, इसका जवाब भी मेरे अकॉर्डिंग रॉन्ग बताया गया है, आप एक्शन लेना चाहे तो ले सकते हैं। ऑल प्लेयर्स आर डॉक्टर्स, इसका जवाब बताया गया नाइदर कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट और नॉर, जबकि मेरे हिसाब से आना चाहिए ओनली कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 80, इफ प्लस मींस डिवाइडेड और जर्ब मींस तफरीक, तकसीम मींस जमा, तफरीक मींस जर्ब, तो इक्वेशन क्या होंगी, उसका जवाब आएगा 23। क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज द लोवेस्ट अर्बन पॉपुलेशन, जवाब है महेंद्रगढ़। क्वेश्चन नंबर 82, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट KMP Expressways, जवाब है 4th, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 83, हु अमंग द फॉलोइंग एथलेट्स वन द गोल्ड इन मेंस 800 मीटर रेस एट एशियन गेम, जवाब है मंजीत सिंह। 84, द एरिया ऑफ हरियाणा विच वॉज कंसिडर्ड अंडर द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, जवाब है रेवाड़ी। क्वेश्चन नंबर 85, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लाला मुरलीधर, जवाब है 4th, यानी बोथ ए एंड बी आर ट्रू।
उसके बाद अगला क्वेश्चन 86, द वहाबी लीडर हु वाज अरेस्टेड इन चार्ज ऑफ सेडेशन, नाम है मोहम्मद जफर। क्वेश्चन नंबर 87, मैच द फॉलोइंग, जवाब है सेकंड, यानी सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 88, हाउ मेनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर देयर इन झज्जर डिस्ट्रिक्ट, जवाब है दो, यानी टू। 89, नहीं ऑप्शन वन, जवाब टू। 89, हाउ मेनी तहसील्स आर देयर इन हरियाणा, जवाब है 93। 90 क्वेश्चन, वेयर द वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर सिचुएटेड, पिंजोरी। अब आइए देख लेते क्वेश्चन नंबर 91 से 150 जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। कुछ सवाल आते ऐसे जिसके जवाब मैंने आपने क्लियर करवाने, सिर्फ उन्हीं को देख लेते, बाकी पूरी आप सुनने के लिए देखने के लिए आप उस वीडियो में जाकर विजिट करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 92 का जवाब मैंने नहीं बताया था, ऐसा ना करो दूसरे दरवाजे निकल जाओ, ये बात किसने किससे कही थी, जवाब है रघुपत से उसकी बीवी ने। क्वेश्चन नंबर 98 देख लेते हैं, देखिए इसका जवाब भी मेरे अकॉर्डिंग बोर्ड ने गलत बताया है। हिंदुस्तान आबादी के लिहाज से चीन के बाद दूसरा और कसील लिसानी हैसियत से दुनिया में पहला मकाम यहाँ पे हरियाणा बोर्ड ने बताया है। लेकिन देखिए मैंने ये डिटेल आपको पेश की थी, इंडियन लैंग्वेज, इंडिया में जो लैंग्वेज बोली जाती है 780 है, जबकि पपुआ में 839 लैंग्वेज बोली जाती है। इस हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग दूसरा जवाब सही है, लेकिन बोर्ड ने पहला बताया है। अगर आप एकाध मास से आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो तो मेरे अकॉर्डिंग आपको ये सब क्वेश्चन चैलेंज करने चाहिए, बाकी आके एकदम सही है। आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में आपकी लिंक दे दूंगा या आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, मौजूदा अहद के मारूफ इंशाई निगार, इसका जवाब भी मैंने नहीं बताया था, इसका जवाब है मुश्ताक अहमद यूसुफी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 107, किस शायर की गज़ल में दिल्ली और लखनऊ की खसूसियात का इम्तिजाज है, जवाब है दाग। यानी वहाँ पे मैं टिक मार्क तो किया था लेकिन श्योरिटी नहीं थी, और मेरा यही मानना है कि अगर आप जवाब सही नहीं बता सकते तो कम से कम गलत आपको नहीं बताना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 117 देख लेते हैं, जिसका जवाब मैंने नहीं बताया था, बताया था मीर शेर अली अफसोस। मैंने कहा था कि आरायश महफिल भी मीर शेर अली अफसोस की है, बाग उर्दू भी मीर शेर अली अफसोस की, दास्तान अमीर हमजा खलील अली खाशक की है, नसर बेनज़ीर मीर बहादुर अली हुसैनी की है, लेकिन जवाब यहाँ पे बताया गया है बाग उर्दू। इस पर भी आप ऑब्जेक्शन लेकर पूरे एक मार्क्स हासिल कर सकते हैं, इसलिए कि आरायश महफिल भी मीर शेर अली ही की है। अगर आप दो चार मार्क्स से एग्ज़ाम में रुक रहे हो तो मेरी इन बातों पर आप गौर करो, एक्शन लो और नंबरात को हासिल करो। क्वेश्चन नंबर 123, देखिए इस पर मैं श्योर था शुएल बुखारी और शौकत सब्जवारी, लेकिन यहाँ पर शमशुल्ला कादी और ज्ञानचंद में कन्फ्यूज़न था, तो यहाँ पर जवाब सेकंड सही बताया गया, सुहेल बुखारी, शौकत सब्जवारी, ज्ञानचंद जैन, यानी सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 125, मंदा जजल में जमौल जमा नहीं है, इसका जवाब भी मैंने नहीं बताया था, जवाब थर्ड है यानी हकाए। क्वेश्चन नंबर 126, जवाब मैंने बाबर बताया था और उसकी वजह ये दी थी कि मुगलिया अहद में ख़त नस्तालिक हिंदुस्तान में राइज हुआ, लेकिन जवाब है शाहजहाँ, इसको आप दुरुस्त कर ले। अगर आपने बाबर मेरे उस बोलने पर लगाया है तो उसके लिए सॉरी, मैं मुगलिया अहद के एतबार से बताया था, शाहजहाँ भी मुग़ल बादशाह है लेकिन पीरियड के हिसाब से मैं बाबर को फोकियत दे रहा था, अलबत्ता शाहजहाँ के दौर में ख़त नस्तालिक का रिवाज आम हुआ हिंदुस्तान में, तो आप उसको दुरुस्त कर ले। क्वेश्चन नंबर 29, इसका जवाब देखिए मैंने बताया था वरक और रात, लेकिन यहाँ पे बताया गया अलिफ और वाव, इस पर भी मुझे शुबा है क्योंकि आप खुद एग्जांपल करके देखिए, वाव और रे ये दो आपको ऐसे नजर आएंगे जिनकी शक्लें नहीं बदलती है, अलिफ की शक्ल बदल जाती है, देखिए अल अदब लिखा हुआ है उसके बाद लाम के बाद अलिफ है, उसकी शक्ल बदल गई है, लेकिन यहाँ पर अलिफ और वाव बताए गए, आप अपने असाज़ा से दरियाफ्त करें कि क्या क्वेश्चन सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 139 पर देखते हैं, इब्न सीना की किताब अल कानून के जरिए यूरोप में कितने अरसे तक तिब की तालीम दी जाती रही है, तो इसका जवाब है 600 साल तक, इसका जवाब मैंने उस वक्त नहीं बताया था। क्वेश्चन नंबर 142, मैंने इसे इर्तियाशी मुसम्मे करार दिया है लेकिन जवाब यहां पर आ रहा है हक्कारी मुसम्मे। 150 देख लेते हैं, किस सिंफ को टेढ़ी पसली कहा गया है, तो कसीदा को टेढ़ी पसली कहा गया है। 150 भी देख लेते हैं, गजल में मंदा जजल में से किसकी पाबंदी जरूरी है, जवाब काफिया बराबर है, ये तो सही हुआ था, यानी बाकी के सब जवाब सही थे, जिस पर मैंने जवाब नहीं बताया तो एक दो जो मेरे हिसाब से गलत साबित हुए वो मैंने आपके सामने पेश कर दिए। आपको लेक्चर कैसा लग रहा है और क्या होना चाहिए प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।